प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने झूठे देशभक्ति दिखाने के लिए अपने घरों पर निजी व्यावसायिक स्थलों, होटलों, औद्योगिक इकाइयों व सोसाइटियों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लगा तो दिया, लेकिन उनकी सार संभाल अब किसी से भी नहीं की जा रही है और जगह जगह राष्ट्र के मान सम्मान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज का अपमान होता हुआ देखा जा सकता है। भिवाड़ी में चाहे बड़े बड़े होटल हो या बड़ी सोसाइटियां या फिर उद्योग इकाइयां, सभी जगह आपको छोटे बड़े राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। कहीं पर तो मेले कुचले हैं, कहीं बीच में से फटे हैं, तो कहीं पर ध्वज के रंग ही उड़ चुके हैं। उनमें यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि यह राष्ट्र ध्वज है या फिर अन्य कोई ध्वज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत करने के लिए अपने अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने का आह्वान किया था, लेकिन लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति जगी या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन राष्ट्र ध्वज का अपमान जगह जगह पर जरूर हो रहा है। यही नहीं, राष्ट्र ध्वज के सम्मान का ठेका लेने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। 26 जनवरी या 15 अगस्त पर बड़े ही मान सम्मान से तिरंगे को सलामी देने वाले ये अधिकारी सिर्फ एक ही दिन तिरंगे को ध्यान रखते हैं, उसके बाद यह सब कुछ भूल जाते हैं। इस विषय में जब टपुकड़ा तहसीलदार अनीता यादव से बात की गई तो उन्होंने इस तरह का कोई भी मामला उनकी जानकारी में होने से ही मना कर दिया, साथ ही कहा कि उनको अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर मीडिया को कोई शिकायत है तो वह उन्हें बताए, वह उसकी जांच करा लेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अधिकारियों को बताने पर ही यह सब नजर आने लगता है, अन्यथा उन्हें खुद की नजरों में कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई देता। जिम्मेदार अधिकारियों का इस तरह से गैर जिम्मेदारा जवाब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।